हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुलकान। आप देख रहे हैं हमारे नाम के चैनल डीगन यूनिवर्स। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एंगल ब्रैकेट को कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से कैटिया में। ये बेसिकली एक सपोर्टिव रहता है। आप चलिए इसको, मैं उधर दोस्तों का टाइम, चलिए इसको शुरू करते हैं। जनरली ये आपको किस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, इसका मैं आपको ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ। तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इसका जो पार्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फाइन, अभी आप इसको देख सकते हैं कि एक्चुअली ये एक सपोर्टिव रहता है, सपोर्ट टाइप का अब रहता है, कहीं पर भी आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके कलर दिया था एंड मटेरियल भी ऐड किया हुआ हूँ। इसको किस तरह से बनाना पड़ेगा, कौन सा स्टेप बनाने से बहुत ईजीली ये बन जाएगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको बड़े आराम से बना दूंगा। नहीं तो आप इसको पॉज करके वीडियो को पहले बनाने के लिए कोशिश करिए, अगर हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग हैं ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको ड्राइंग को देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टॉप व्यू है एंड आपका ये फ्रंट व्यू भी माना जाता है। आप कोई भी व्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका क्या है, साइड व्यू हो जाएगा, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। टॉप बटन भी हो सकता है, तो आप एक ऑक्सिलरी व्यू भी यहाँ पे दिया गया है। तो व्यू के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इसका ऑक्सिलरी व्यू तो है ही, ठीक है। मैं व्यू के बारे में आगे जाके बात करूँगा, कैसे सेक्शन होता है, कैसे व्यू होता है, ये हम लोग ड्राफ्टिंग में पढ़ेंगे। जब ड्राफ्टिंग का थोड़ा आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएगा, देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ का आइसोमेट्रिक व्यू है, जो कि ज़्यादातर आपका जो एंगल में रहता है, आप कोई भी एंगल इसको रख के ले सकते हैं, ठीक है। एंड तो ये हाँ हाँ ठीक है, एंगल ब्रैकेट के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो इसको थोड़ा गूगल कर लीजिए, तो आप ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो नेट में थोड़ा देख लीजिएगा पक्का इसको। तो चलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है, विंडोज़ पार्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं, नहीं तो स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एंगल डिज़ाइन। तो उससे पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए, इजी एंगल ब्रैकेट डिज़ाइन, थोड़ा याद रखिए, इसका नाम है इजी एंगल ब्रैकेट डिज़ाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट इज, वी हैव टू सेटिंग द पार्ट डिज़ाइन पैरामीटर्स, जो कि हमारा क्या है, स्केच बेस फीचर है, टूल बार्स जो है, हम इसको पहले सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ब्रैकेट लिख देता हूँ, आप इसको सेट करके रखिए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, देन फाइन, मैं तो सेट करके रखा हुआ हूँ। देन डायरेक्टली मैं चल रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। तो टॉप व्यू यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे प्रोफाइल लेके, ठीक है। थोड़ा याद ध्यान से देखिए, मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से ये बनाया जाता है। तो आप अगर मैं इसको हटा देगा उसका बॉर्डर लाइन को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्वी टाइप का एक आया हुआ है, दिल्ली टाइप का थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो किस तरह से फिगर आपका ही आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। प्रोफाइल लिया, देन यहाँ से एक लाइन खींचा हूँ स्टार्ट लाइन, देन यहाँ पे कहा हुआ ये प्रोफाइल है हमारा, ठीक है। प्रोफाइल में आपको क्या करना है ना, बड़े आराम से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन थोड़ा सा घुमा देंगे, देन आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में तो हमको कट करना ही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा हमको, तो हाँ कट मिल जाएगा, तो हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। देन ये वाला आपका कितना है, रेडियस 8 का है, ये वाला 55 का है। ये पहले हमको डायमेंशंस निकालना है, टोटल आपका 81 का है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा याद रखिए 81 का है आप डिस्टेंस। ये जो आपका पैड होगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले हम लोग 45 को थोड़ा देख लेते हैं, सॉरी 55 को। यहाँ से आपको ये इसको कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देन यहाँ से निकल दे रहा हूँ। हमको क्या करना है, हरी झंडी जो है ना आपको दिखा देना है, क्योंकि ये वाइट रहेगा तो बहुत दिक्कत करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा देख लीजिए, एक 55 का है, एक 65 का है हाइट, एंड ये वाला टोटल डिस्टेंस हम लोग तो देख लेते हैं 80 का ही था। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्लिक करके एक ऊपर पे 55 जो डिस्टेंस है, इसको बाद में क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं ये दोनों के बीच में एक एंगल 52 या 114, इस तरह से कुछ एंगल रहता है, तो ये एंगल को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्नर देना पड़ेगा, कॉर्नर हमारा ओके कर दीजिए। इसको यस 8 का था, रेडियस 8, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं,
टोटल कितना था, ये 55 का था, तो याद है इसको पहले कर लेते हैं, जो याद है पहले उसको कर लेंगे। ये 114 का था, 114 कर देते हैं। ये आपका 65 का था, देन 65 कर देते हैं। देन ये आपका 8 का था, डबल क्लिक करके 8 कर दीजिए। ड्राइंग थोड़ा नहीं तो देख लीजिए, शायद ये 8, यहाँ 8 ही था, देखिए रेडियस 8 लिखा हुआ है। देन आपको फिलहाल मिल जाएगा ये वैल्यू। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऊपर कुछ कर रहा हूँ 81 का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको 81 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक करना है। डबल क्लिक करके पहले इसको 8 कर दीजिए, देन इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको। क्यों डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको नहीं दिया है। आप कैलकुलेट करके ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे, जो डिस्टेंस दिया गया है उतना ही लेंगे ना। तो ये सर्कल से ये वाला वर्टिकल एक्सिस तक हमारा 81 है। चलिए ऊपर का जो डबल क्लिक करके, ये 55 तो हम लोग किए नहीं थे, तो 55 कर देते हैं। अच्छा किए थे, लेकिन वो क्या होगा है ना, आप एक पेज से दूसरे पेज चले गए तो ये थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको डबल क्लिक करके आप पहले बना लेंगे। तो ये आपका हो गया, बाकी डिटेल्स हो गया। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट वर्कबेंच कर लेंगे। एग्जिट वर्कबेंच क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसको मटेरियल ऐड करना है, मतलब पैडिंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ चलिए, तो व्यू थोड़ा मैं घुमा दिया हूँ, आप थोड़ा ईजी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग में जाते हैं, तो ड्राइंग में आपको क्या लिखा है, हाँ ठीक है, डिफाइन द पैड फॉर द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या है हमारा, जो हम लोग अभी जो बनाए हुए हैं ना सॉरी, तो उसमें आपको क्या करना है, पैड देना है। ठीक है, तो 4 का हमको पैड करना है वहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पे 4 mm का जो वैल्यू रहता है वो पैड कर देते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, तो इधर से हम लोग क्या करें ना, 4 mm का पैड कर दिया। तो जैसे ही मैं 4 mm का पैड कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा व्यू चेंज करना पड़ेगा आपको ये। हाँ ठीक है, एडजस्ट आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक सही से नहीं होगा। देन मैं क्लिक कर रहा हूँ ये वाला फेस पे, देन स्केच में जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और आपका दीवार टाइप का है, वॉल टाइप का। तो यहाँ से मैं आपको क्या कर रहा हूँ दिखा देता हूँ, खड़े घुमा के दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके। ओके पहले हाँ स्केच ले लेते हैं। चलिए एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा यहाँ से, ओरिजिन से मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। आप थोड़ा इसको ट्राई करिएगा प्रोफाइल से ही बनाने के लिए, बना सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। देन इस ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों को क्लिक करके वहाँ पे जाके कॉन्सिडेंस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन जो ऊपर का हाइट है ना, वो भी दिया गया है, शायद 24 था। मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपका डिज़ाइन में, पहले इसमें ऐड कर देते हैं ना डायरेक्टली, वहाँ पे जाके डबल क्लिक करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 26 ओके सर, 26 था हम, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बुक है, मैं डायरेक्टली देख लिया। आप यहाँ पे ड्राइंग में भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा आराम से देख लीजिए, 26 है टोटल हाइट। ठीक है, याद रखिए ये जो गैप है 81 से आगे जाके जो डिस्टेंस रहेगा वो कितने का होगा, याद रखिए। एंड यहाँ यहाँ पे थोड़ा याद रखिए, R8 बोथ साइड्स, यहाँ पे कट होगा आपका जो कॉर्नर का होगा, यहाँ पे भी होगा, वो उधर भी होगा, दोनों तरफ आपका 8 mm का कट होगा। तो रेडियस यहाँ पे मैं कॉर्नर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड याद रखिए ये हम लोग कट क्यों कर रहे हैं, ये एज को स्मूथ करने के लिए, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो कि हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए एजेस को स्मूथ किया जाता है, इसको कॉर्नर बोला जाता है। ठीक है, और फिलेट बोलते हैं 3D में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पैड करूँगा, लेकिन डायरेक्शन इसका रहेगा आउटसाइड, नॉट कि इनसाइड, क्योंकि इनसाइड रहेगा तो टोटल डिस्टेंस 81 दिया था। देन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है ना, ये जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, टोटल आपका 81 का दिया गया है। देन यहाँ से आपको यहाँ वैल्यू नहीं लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 3 का है, याद रखिए 3 mm का पैड आपको क्या करना है, आउटसाइड करना है, मतलब पीछे तरफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 3 mm का डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग आउटसाइड पैड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे पैड को क्लिक कर रहा हूँ, फिगर को क्लिक करके पैड को क्लिक कर रहा हूँ, एंड ये आउटसाइड पहले से ही था, तो आप इसमें 3 mm दे के ओके कर दीजिए, तो ये जुड़ जाएगा उसके साथ। तो टोटल हमारा हो जाएगा 81 + 84। सो इस तरह से कुछ आपका बेस बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, इसमें पढ़िए, डिजाइनिंग द पायलट होल्स एंड एंगुलर पैड्स, जो कि हम अभी यहाँ पे एंगुलर पैड बनाएंगे इसके ऊपर। तो इसको सिलेक्ट करके मैं स्केच में जा रहा हूँ, आप फिलहाल इसको देख सकते हैं कि पॉइंट में पहले यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट थोड़ा सा इसको कोइंसिडेंस करके, देन एक पॉइंट यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
एंड ये वाला कर्व एंड ये वाला पॉइंट को कंसेंट्रिसिटी कर देते हैं, तो एक पॉइंट पे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ से कल मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, आपको दिया भी गया है ड्राइंग में, आप देख सकते हैं उसको पॉज करके पीछे जाके भी। तो हाँ, ये दोनों आपका 8 शायद रहेगा। एंड यहाँ से करीब डिस्टेंस कुछ दिया है 24 का, तो इसको पहले देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24-25 का शायद दिया रहता है, हाँ 24-25 का दिया रहा है। पहला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 24, याद रखिए पूरा नहीं लेना है, उसका जो बॉर्डर 3 mm छोड़ के, ठीक है, मतलब वो जो डिस्टेंस है ना पैड रहेगा ये ओरिजिन लाइन से ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिन लाइन तक डिस्टेंस रहेगा 24, याद रखिए। एंड यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट तक डिस्टेंस रहेगा 25, ये डबल क्लिक करके 24 कर दीजिए, देन इसको डबल क्लिक करके आप 25 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, 8 करना है, एंड दोनों को 8 कर देंगे तो एक लाइन भी ये आ जाएगा। 8 तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड था ही, तो वो तो ऑलरेडी आप एक सेंटर पॉइंट पे आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है, देन ड्राइंग को एग्जिट करना है। देखिए मैं आपको तो इसमें आप देख सकते हैं कि होल का डिस्टेंस जो है आपका कितना है, 24 एंड 25 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, शुरू करेंगे ये वाला डिस्टेंस। तो हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिजाइनिंग द पायलट होल्स एंड एंगुलर पैड्स फॉर द ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हाँ ये वाला जो आपका एंगुलर पैड्स है, ये दोनों को कितना करना है, 24 degrees में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड किस तरह से रहेगा मैं आपको प्लेन से समझाऊंगा किस तरह से यहाँ पे बनाए जाते हैं। देन एंड हाँ, ये देखिए जो लिखा है क्या मैं लिख देता हूँ, फॉर दिस आपको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट, आपको क्या करना है, प्लेन करना है, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट एंगुलर प्लेन्स, ठीक है। हमको क्या करना है ना, एंगुलर पैड बनाने के लिए जो भी आप कुछ भी आप यहाँ पे स्केच बनाने के लिए हमको प्लेन चाहिए, तो प्लेन तो है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग प्लेन बनाएंगे। तो प्लेन कैसे बनता है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे प्लेन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करेंगे, इसको क्लिक करना है, प्लेन सिलेक्शन करके इसको क्लिक कर देंगे तो कुछ ऑप्शन हो जाएगा, देन ये पॉइंट को क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है ये आ गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 24 डिग्री एंगल में आपको क्या करना है, प्लेन क्रिएट करना है। तो किस तरह से करेंगे, प्लेन को फिर से क्रिएट करेंगे, देन एंगल आपको करना है, यहाँ पे लिख देना है एंगल नॉर्मल टू प्लेन, देन इसको सिलेक्ट करके आपको जेड एक्सेस कर देना है, ठीक है, जो कि आपको एक्सेस रहेगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवर्स में, हाँ देखिए मैं जिस तरह से आपको क्लिक कर रहा हूँ आप इसको 24 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने 24 करके इसको ओके कर दूंगा, तो आप इसको क्लिक करने से देखिए कहाँ पे क्रिएट हुआ, वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट नहीं करेंगे, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, तो बड़ी ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाले प्लेन जो बनाए थे इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऑफसेट एंड डिस्टेंस में जाके इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली पॉइंट को क्लिक कर दीजिए, देन देखिए आपका प्लेन बन के रेडी हो गया। तो आप अलग अलग तरीके से इसको बना भी सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाए, जो ड्राइंग में था, ड्राइंग में जिस तरह से था, और जो प्लेन था वो प्लेन कहाँ पे था, प्लेन हमारा ये जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे कितना लिखा है, 12 लिखा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस दे के दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया गया है ये नहीं ले रहा है, नहीं ये नहीं 1.6 ये नहीं होगा, हमारा एक्चुअली ये 6 का डिवाइड करके लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। इसमें सिलेक्ट कर दिया हूँ, फिर से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए, नहीं ये भी नहीं ले रहा है 5.21। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप जहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल उसी जगह पर सिलेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा जूम करके नहीं तो उसको देखते हैं, नहीं तो आप याद रखिए 12 जो दिया है इसको मैंने आधा कर दिया हूँ, जो कि मुझे गिवन था, आधा आधा किया है, मतलब ऑफसेट इधर 6 उधर 6, ठीक है। पहले इसको नहीं तो कर ही देते हैं, आप डायमीटर नहीं ले सकते, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एंगल ब्रैकेट का। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, आधा आधा करता हूँ, आपको वो क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ तो ये 6 मैंने कैसे किया आपको बताता हूँ, डायरेक्टली आप सिलेक्ट करके बना भी सकते हैं, कभी कभी ये नहीं लेता है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको करना है, मैं आपको बताऊँगा जब हम लोग ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है उसी टाइम। तो देखिए 6 का लिया है,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेन लेता हूँ एंड आपको ऑफसेट एंड जो रेफरेंस रहता है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। देन आपको 6 mm लिखना है यहाँ पे। 6 mm क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 12 का चाहिए, एक 6 आपको राइट साइड में, एक 6 आपको लेफ्ट साइड में चाहिए। देन इसको मैं क्लिक करके रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, देन ओके कर देते हैं। देन इसी तरीके से हमको ये दो अलग अलग प्लेन्स मिल जाएगा। देन बीच वाले को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक हेड एंड शो कर देना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम दो अलग अलग प्लेन पे क्या करेंगे ना, बनाएंगे। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाला जो प्लेन है इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया हूँ। इसको सिलेक्ट करके स्केच में चलते हैं। देन यहाँ पे घूम गया है, मैं इसको नॉर्मल व्यू कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, अभी आपको क्या करना है, इसी जगह आपको क्या करना है, ठीक है, ये अलग अलग प्लेन आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा। एक ही प्लेन हम लोग सिलेक्ट किए थे जो कि एंगुलर प्लेन था, फर्स्ट एंगुलर प्लेन, तो उसी की जगह पर मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे नॉर्मल भी, ओके फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से शेप बनाना पड़ेगा। पहले एक सर्कल, देन उसके टेंजेंशियल लाइन जो कि हमारा 52 डिग्री रहेगा, देन हाइट रहेगा 16 15। तो चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ बाहर की तरफ एंड यहाँ पे इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ जो कि 13 रेडियस था। सो डायमीटर आपका हो जाएगा जो, ठीक है, हम रेडियस ही करते हैं 13 का, ओके फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 13 का रेडियस में हम लोग बना दिए हैं सर्कल एंड जो कि हमारा प्लेन पे ही बना है, उसी प्लेन के ऊपर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, तो प्लेस कैसे करेंगे, डायमेंशन देके। तो कॉन्स्टेंट हम जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मालूम पड़ना चाहिएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ड्राइंग पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ड्राइंग में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले ड्राइंग ही देख लीजिए। देखिए, यह सर्कल जो है 16 डिस्टेंस में नीचे से है, ठीक है, टोटल। एंड ये पूरा साइड से आपका 15 का है। तो हम लोग चाहते हैं उस तरीके से अप्लाई करेंगे। देन डबल क्लिक करिए इसको, यहाँ से सेंटर पॉइंट से ले कर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया गया है, कितना देखिए, नहीं लिया। यहाँ से सिलेक्ट करिए पहले, देन इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पहले क्लिक कर दीजिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, पूरा नीचे से लेंगे, पूरा नीचे से, हाँ, यहाँ से। देन वो वाला आपका सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा, वो आपका मिल जाएगा, देन आपका 16, इसको डबल क्लिक करके 16 कर दीजिए। देन बाकी जो नीचे वाला था उसको 15 कर देंगे, जो गिवन था हमारा, नहीं तो आप अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन पहले जो गिवन रहेगा उसी से हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पर लाइन में खींच रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अभी देखिए रिलेशन में आ रहा है ना, तो टेंजेंसी जब आ जाएगा आप इसको ले लेना है, ठीक है, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिलहाल यहाँ पर टेंजेंसी मेंटेन कर रहा है, देन यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिया, ठीक है, टेंजेंसी जब मेंटेन करेगा आप इसको क्लिक कर देंगे, तो बाद में हटाने बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट नहीं ले रहा है, ठीक है, ये लाइन लेके हम इसमें जाके क्या करेंगे ना, कॉइंसिडेंस करेंगे, ठीक है, कॉइंसिडेंस हो गया। देन आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना है डायमेंशन को, देन ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा पूरा, दोनों का एज पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट मिल जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कॉइंसिडेंस फिर से कर देना है, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। देन सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइंसिडेंस तो करना ही है, ये दोनों के साथ आपको जाके इधर कॉइंसिडेंस करेंगे। देन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ट्रिम ऑप्शन मिल जाएगा, डबल क्लिक करके ट्रिम कर देंगे, इसको हरा करेंगे, ठीक है। तो हरा करने से पहले थोड़ा याद रखिए कि इसको क्या करना है, कौन सा वैल्यू देना है। यहाँ पे एक एंगल था हमारा, याद रखिए, नहीं ये नहीं, एंगुलर डिस्टेंस नहीं आएगा इसमें, हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एक, देखिए आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, मतलब एक एंगल मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा दिया गया है, ठीक है। ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ, 52 का जो डिग्री का एंगल दिया गया है वो एंगल यहाँ पे हमको क्या करना है ना, मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देखिए अलग अलग व्यू इसलिए दिया गया है कि एक ही व्यू में हमको नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, देन आपका एंगल जो निकल के आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 52 डिग्री। चलिए ये हो गया ग्रीन, ग्रीन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फुली कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हमारा पहला वाला वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन यहाँ से मैं क्लिक करके ये वाला डिस्टेंस जो नीचे, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, डिस्टेंस नहीं आया क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे डिस्टेंस लाइन खींचना था, तो ये कंप्लीट प्रोफाइल आपका हो जाएगा,
तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पैड करते हैं। एंगुलर पैड हमको पता ही है, एग्जिट वर्क बेंच करेंगे। एग्जिट वर्क बेंच करने के बाद इसको हम लोग पैड करेंगे, कहाँ पीछे करेंगे, इस साइड। देखिए उस साइड हो गया, हमको इस साइड ही करना है क्योंकि बीच में हम लोग गैप रखेंगे 12 का। याद रखिए, ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं जो बनाए हुआ हूँ। देखिए ड्राइंग कहाँ पे हमारा, ये पहला वाला हम लोग बनाए थे, पहले वाला प्लेन। देखिए फोर टाइप दोनों को पैड तो फोर ही करना है, लेकिन गैप याद रखिए 12 का रहना है, ठीक है। तो ये भी वही फोर हो जाएगा, सेम टाइप मीन्स आपका सेम, दोनों अलग अलग जो रहता है उसको टाइप लिखा जाता है, सेम वही डिस्टेंस रहता है। तो पैड में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग पैड जो करेंगे कितने का करेंगे, हमारा यहाँ पे डिस्टेंस जो रहेगा 4 का रहेगा दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। तो सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग तो बना लिए, लेकिन इसको इस प्लेन पे भी हम लोग को बनाना है। तो प्लेन लीजिए, स्केच लीजिए, देन थोड़ी याद रखिए मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे बिल्कुल आपको सेम इस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट द एलिमेंट। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर आपके बन के रेडी हो जाएगा, नहीं तो इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट को लेके हम डायरेक्टली इसका आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं कोई भी फिगर का। तो यहाँ पे पैड कर देंगे, इसको भी 4 कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक करीब करीब ये आपका हो गया है, लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बाकी चीज़ रह गया है, मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके स्केच में जाके एक होल करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा वीडियो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक होल बना, सर्कल बना रहा हूँ, एंड सर्कल का जो रहेगा ये इसके साथ पेरीमीटर के साथ आपका कॉन्सेंट्रिसिटी हो जाएगा, कॉन्सिडेंस नहीं, कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ से वैल्यू उसको निकाल देते हैं जो कि दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है, 8 या 10 कुछ करीब दिया गया होगा। ड्राइंग पे जाके देख लेते हैं कन्फर्म होने के लिए, तो कन्फर्म कैसे होंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राइंग का डिस्टेंस कितना है, 8 या 6, अच्छा ठीक है, 6 डायमीटर दिया गया, 5 6, मतलब आपका जो दिया गया है डिस्टेंस कितना दिया गया है, 6 डायमीटर का दिया गया है आपका जो होल रहेगा दोनों एंगुलर पैड के बीच में से। तो चलिए अभी जो डिस्टेंस रहेगा 16-15 का वो भी करके देखते हैं, लेकिन ये कंसेंट्रिसिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप चाहते हैं तो इसमें हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको डिलीट करके। तो मैं यहाँ पे कंसेंट्रिसिटी हटा दे रहा हूँ, एंड आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं अलग अलग। देखिए आपके पास ऑप्शन है, जो आप देखिए 16 में आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक मैं क्लिक करूँगा एंड आपका पक्का इसमें 15 आएगा ही। तो देखिए आ गया 15। तो ये एक्चुअली होता कैसा है ना, हम लोग जो बनाते हैं ना कंसेंट्रिसिटी क्या होता है ना, दोनों अलग अलग ही तो होता है ना। डायमेंशन दीजिए या फिर आप ज्योमेट्रिकल डायमेंशन या जो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दे रहा हूँ फिलहाल के लिए डायमीटर, यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डायमीटर 6 में। तो चलिए इसको एग्जिट करके इसको पॉकेट करते हैं। तो पॉकेट करने के लिए आपको पॉकेट में ऑप्शन जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपको डायमेंशन में जाके इसका जो लेंथ होगा इसको लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। आप मैनुअली इंक्रीज करेंगे तो हो ही होगा, नहीं तो ज़्यादा अगर दे देंगे तो वो आगे जाके जो भी एलिमेंट रहेगा उसको कट कर देगा। तो फिलहाल ध्यान दीजिए किस तरह से ये बनता है। तो अभी तो हो गया, देन आपको क्या करना है यहाँ से, एक आपका नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ ड्राइंग में जाके, जो हम लोग लिए थे इसका कितना लिए थे, जो पॉइंट का जो वैल्यू सब लिए थे ना, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे होल्स। तो ये आपका ईच एंड एवरी आपका जो लिखा है, देखिए 3 टाइप रेडियस तो साइड में लिखा है 8, लेकिन ये आपका जो लिखा है 3 टाइप मीन्स आपका जो डायमीटर रहेगा तीनों पॉइंट के लिए, मतलब तीनों होल के लिए 3 डायमीटर का रहेगा। तो चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली हम लोग चलेंगे डिफाइन द क्लेविस थ्रू द होल एंड फिलेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लेविस क्या होता है ना, वो जो एंगुलर पैड्स का जो रहता है वैल्यू, उसी को ही आपको जाकर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जो बेस आपका रहता है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बेस में ही जो 1, 2, 3 अलग अलग पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग होल बनाएंगे। चलिए मैं पहले डायरेक्टली होल के ऑप्शन में जाता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन ये वाला बेस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये होल का डेफिनेशन मांगेगा आपको, देन यहाँ पे आपको दे देना है डायमीटर 3 का, एंड टाइप में जाके कुछ नहीं करना है, अप टू नेक्स्ट कर देना है, देन ओके। सिमिलरली आपको बाकी दोनों को भी सेम करना है, ठीक है, दोनों सिलेक्ट करिए, आप डायमीटर 3 दीजिए, देन ओके, अप टू नेक्स्ट तो है ही, देन एक को करेंगे तो बाकी तीनों, मतलब बाकी दो आपका आराम से हो सकते हैं, ठीक है।
देन उसको ओके कर देते हैं। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिलेट बस करना है। फिलेट कहाँ करना है, जो एंगुलर पैड हम लोग बनाए थे उसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे ना, फिलेट का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिए फिलेट हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग में। देखिए आपको क्या क्या फिलेट कितना देना है, फिलेट का कुछ रेडियस दिया गया। हाँ यहाँ पे देखिए 2 लिखा है। देखिए ये एक और एक्सिलरी भी है, तो यहाँ पे हमारा फिलेट का वैल्यू दिया गया है 2। तो यहाँ पे हम लोग फिलेट का वैल्यू जो है 2 ही रखेंगे एंड यहाँ पे डायरेक्टली 3D फिलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये वाला वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, ये वाला वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, ये वाला एडजस्ट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन ये याद थोड़ा सा ध्यान देके मतलब आराम आराम से सिलेक्ट करना है। देखिए बाकी सबको सिलेक्ट नहीं करना है, एक ही जगह देन इसको 2 करके ओके कर दीजिए। देखिए ले लिया, तो आप कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप बड़ी आराम से इसको बना भी सकते हैं। तो इसको आप पक्का ट्राई करिएगा। देखिए और बाकी और क्या चीज़ बच गया, अभी इसमें कुछ बचा ही नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप कंसंट्रेट करके ही इसको बनाना है। ठीक है, तो बड़ी आराम से आप इसको बना सकते हैं। देन एंगल ब्रैकेट में जाते हैं एंड इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखिए नीचे से भी कट है। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, आपको बस प्लेन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेन सिलेक्ट क्रिएट करना जान जाएंगे, तो बड़ी आराम से आप ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फिगर को भी आप बड़े आराम से एंड बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं अभी मेटल आपको डाल के दिखाता हूँ, कॉपर का डालते हैं। कॉपर का तो आ ही गया है, देन इसको हम लोग करेंगे साइडेड विथ मटेरियल, जो कि लास्ट था, लास्ट ऑप्शन है। देखिए किस तरीके से दिखता है, तो आप कॉपर डाल रहे मतलब ये टोटल कॉपर का ही हो जाता है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली क्यों मतलब कैसे पता चलेगा कि एक मेटल उसमें ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक और कलर में आपको दिखा दे रहा हूँ, कितना मल्टी कलर दे रहे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, सेव्यू कर सकते हैं, स्टोन का भी ऐड कर सकते हैं, वुड का भी दे सकते हैं। ये सपोर्ट के लिए यूज होता है जिम बेसिकली, जो कि मैं आपको बताया गया हूँ सपोर्ट के लिए बेसिकली यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जाके इसका कलर भी चेंज करूँगा, लेकिन अभी देखिए चेंज नहीं होगा। मैं कलर चेंज करूँगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अभी आप फिलहाल सेटिंग विथ मटेरियल व्यू में ही है ना। तो हम लोग जब इसको मटेरियल हटाएंगे, जो कि देखिए सेटेड विथ एडजस्ट जो दिखता है अभी, देखिए आपको दिखेगा कलर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप इतना है, तो आज जो भी मैं आपको बताया हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, इसको बड़े आराम से इसको क्रिएट करिए। देखिए कहीं भी डाउट हो रहा है तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइनिंग द क्लजेस्ट होगा, हमने तो सब कुछ हो ही गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड दोस्तों में शेयर करिए। कुछ भी डाउट हो रहा है पक्का आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको 100% इसका सलूशन देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप कितना समय में इसको कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हमको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड वंदे मातरम।